हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च और हैरी। आप सभी लोगों का मेरा तहे दिल से नमस्कार। और आज मैं आया हूं आप लोगों के पास एक पावरफुल स्ट्रैटेजी लेके, मोस्ट अवेटिंग स्ट्रैटेजी जो आप लोग काफी दिनों से काफी टाइम से वेट कर रहे हो, CPR Part-2। यस, वाइड रेंज के अंदर मैंने इससे पहले आपको निफ्टी का और एक बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी CPR के बेस पे, किस तरह से CPR को यूज करके आप ट्रेड कर सकते थे। और अब मैं आपको दे रहा हूं उसी वाइड रेंज को लेकर किस तरह से इक्विटी के अंदर आपको ट्रेड करना है, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आपको ट्रेड करना है, राइट। तो आज बहुत सारे एग्जांपल लेके आया हूं, कम से कम 25-30 एग्जांपल लेके आया हूं, उससे भी ज्यादा इवन 30+ एग्जांपल्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, तो इस वीडियो को भगा के मत देखिएगा गाइस, क्योंकि आपका बार बार इतने अच्छे से बड़े से खुले से बताने के बावजूद भी आप लोग का एक क्वेश्चन आता है कि सर ये डाउट रह गया, ये रह गया, वो रह गया। गाइस वीडियो भगा के देखोगे अगेन डाउट रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपको देखना है, राइट। और ये मेरा बहुत पावरफुल सेटअप है, बिलीव मी गाइस, अगर CPR सेटअप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी पकड़ लिया, आज का इक्विटी का फ्यूचर्स का जो मैं देने वाला हूं वो पकड़ लिया, सिर्फ इसमें भी मेहनत कर लोगे पैसा बन जाएगा। लिमिटेड स्टॉक्स आएंगे, पावरफुल स्टॉक्स आएंगे। और इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 मिनट का पूरा टाइम मिलता है एनालिसिस करने के लिए, राइट। तो यहां पे बहुत पावरफुल है। आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्ट्रेटेजी देखने के बाद कैसा लगा आपको स्ट्रेटेजी, और अगर आप पैसा बना रहे हो स्ट्रेटेजी से तो प्लीज मुझे अपना M2M भेजना ना भूलिएगा WhatsApp पे, राइट। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए फॉलोअर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, गाइस उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अभी के अभी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन का बटन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको सेटअप देने वाला हूं। आई हैव मोर देन 30-40 स्ट्रेटेजीज, एक एक करके मैं सब चीज आप लोगों से रिवील कर दूंगा, क्योंकि हमारा मोटो है लर्न एंड देन अर्न। आप खुद सोचो मेरा ये सेटअप इतना पावरफुल है, दिल से खोल के दे रहा हूं सर, बस दुआ में याद रखना, बस प्रार्थना में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो मेरे भाई बंधु रिटेल ट्रेडर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूं, फॉलो करो। आज का निफ्टी अगेन CPR में ब्लास्ट हुआ है, बैंक निफ्टी अगेन CPR में ब्लास्ट हुआ है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है इंडेक्स के ऊपर कैसे CPR यूज करना है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन, SRM स्ट्रेटेजी करके मैंने वीडियो में डाला हुआ है, प्लीज गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि आपके पास कितना भी पावरफुल सेटअप है, कितना भी पावरफुल हो, अगर वो नहीं लगाया, SRM स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करोगे सर, पैसा आप लॉस ही करोगे, क्योंकि एक्सीडेंट सिर्फ एक दिन होता है, एक ही दिन में आपका सारा अकाउंट साफ कर देगा, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने वीडियो की तरफ ले चलता हूं। हेलो एवरीवन, सो फटाफट चलते हैं हम अपने सेटअप की तरफ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक पावरफुल इंट्राडे टूल है, CPR Part-2, मोस्ट अवेटिंग स्ट्रैटेजी, और टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वीडियो बनाते हैं। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलेगा। मैं चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और उन सभी भाई बंधुओं के पास पहुँचे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अच्छा खासा पैसा बना सके, थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का पैसा बना सके। तो चलिए इंट्राडे पावरफुल टूल CPR Part-2 रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप, दिस इज प्योर रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप। इस स्ट्रैटेजी की अगेन जैसे इंडेक्स में मैंने आपको बताया था वैसे ही रिवर्सल होता है। यहां पर मैं CPR का यूज करता हूं छोटे हंटिंग के साथ। अगर मैं छोटा सा रिस्क लूंगा और फिर बड़ा टारगेट लूंगा तो मेरे को मजा आता है, एज लाइक वॉरेन बफे जी की स्ट्रेटेजी, टॉप पे ठोको बॉटम पे बाई करो, सेम वही कॉन्सेप्ट लेके आने की कोशिश किया है। बिल्कुल मार्केट के डे हाई के आसपास
हम लोग इस सेटअप के थ्रू सेल करते हैं या फिर डे के लो के आसपास इस सेटअप के थ्रू हम लोग बाई करने की कोशिश करते हैं। और बहुत छोटा सा टारगेट याद रहे, अगर ट्रेडिंग करनी है हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अपना रिस्क कितना है, अपना रिस्क कितना है, आई मीन टू से आप लॉस करने को कितना रेडी हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वट एवर यू आर गोइंग टू ट्रेड, कोई भी स्ट्रैटेजी होते हो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया। और लास्ट में, इस वीडियो के एंड में, मैं एक बहुत पावरफुल इंपॉर्टेंट रूल्स देने वाला हूँ, क्योंकि वो रूल्स के बिना ये काम नहीं करेगा। तो पूरा देखिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा। बाय किंग रिसर्च, हैरी सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम ए सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और www.kingresearch.co.in। सो पावरफुल स्ट्रैटेजी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग स्टॉक फ्यूचर्स, किस तरह से बड़े ट्रेड्स किया जाए मार्केट में, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाइए, इन पार्ट वन वी लर्न हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थ्रू सीपीआर वाइड रेंज। वाइड रेंज, नैरो रेंज, राइट, और नॉर्मल वाला जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो गाइस यहां पे भी मैं दोबारा मैं बात करना चाहूंगा कि वाइड रेंज के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं वाइड रेंज के ऊपर बात कर रहा हूं। तो इसका जो पार्ट टू है, जो स्टॉक फ्यूचर्स में या स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, हाउ यू विल ट्रेड इन स्टॉक्स विथ सीपीआर स्ट्रेटजी इन वाइड रेंज। पार्ट टू, ओपन चैलेंज, वी नो द रियल सीक्रेट मैथड ऑफ सीपीआर, वी आर यूजिंग फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years, और इसका हमारे पास प्रॉपर एल्गो है, स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, एवरीथिंग बाय एल्गो इटसेल्फ। तो टुडे आई विल शेयर विद यू हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स विद सीपीआर ट्रेडिंग मेथड, वन ऑफ माय फेवरेट इंपॉर्टेंट इंट्राडे स्टोरी। याद रखिएगा सर, ये मेरा फेवरेट स्टोरी ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग है। इस सेटअप को मैं आज भी यूज करता हूँ और पावरफुल पैसा थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ बनाने का। रूल फॉर सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बाई कंडीशन क्या होगी, टुडेज पाइवट शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डे पाइवट लेवल। जो आज का पाइवट है, टुडेज पाइवट है, ये टुडेज पाइवट प्रीवियस डे पाइवट से ऊपर होना चाहिए, राइट। सेकेंड कंडीशन, स्टॉक शुड बी क्लोज इन रेंज ऑफ नियर डे हाई। मतलब आई मीन टू से सर, आपका कोई भी स्टॉक है, सपोज करो ये प्रीवियस डे का कैंडल है, राइट, प्रीवियस डे कोई भी स्टॉक ऐसे चल रहा है, ये आपका क्लोज ऊपर होना चाहिए, प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट टॉप पे होना चाहिए, नियर क्लोज रेंज ऑफ नियर डे हाई, राइट, और आज का पाइवट ऊपर होना चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल। अब इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, हमें जो टाइम फ्रेम लेना है वो 10 मिनट्स का लेना है, आपको क्लियर होगा पिछले वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट कैंडल जो 10 मिनट्स का लेगा, तो यहां पे फर्स्ट 10 मिनट्स कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबव मिडिल पाइवट पॉइंट। तो जो यहां पे आपका मिडिल पाइवट पॉइंट आता था, ये जो सीपीआर लगाते थे याद है, इंट्राडे का डेली का हम देखते थे, तो इसमें जो बीच का मिडिल लाइन है वो पाइवट पॉइंट होता था, इस पाइवट पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा, ठीक है। फर्स्ट 10 मिनट कैंडल जो आज खुलेगा मार्केट, जो भी आज, गाइस कंफ्यूज मत हो, ये दोबारा बता रहा हूं, जो भी आज खुलेगा पहला कैंडल 10 मिनट्स का, वो इस पाइवट पॉइंट के ऊपर खुलेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे खुलता है कुछ नहीं करना है, इसके टच होके खुलता है कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर फर्स्ट 10 मिनट का ऊपर खुलना चाहिए और क्लोज भी ऊपर होना चाहिए, क्लियर माई पॉइंट, क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर क्लोज होना चाहिए। बार बार दे रहा हूं, नहीं तो आप बार बार मेरे को फोन करके बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिएगा। अब इसका पार्ट टू का, हाउ टू वर्क इंट्राडे ओनली फॉर सिलेक्टेड स्टॉक्स, वाइड रेंज सीपीआर ओनली यूज फॉर रिवर्सल। रूल नंबर वन, एनी 10 मिनट कैंडल प्राइस टच द मिडिल पाइवट रेंज। पहला कंडीशन क्या था, 10 मिनट का कैंडल पाइवट के ऊपर खुलना चाहिए था, राइट। अब उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जो हमारा पाइवट पॉइंट है, जो हमारा पाइवट पॉइंट है इंट्राडे का, जो हमारा पाइवट पॉइंट है, ठीक है, ये सीपीआर का रेंज हो गया। तो जो इंट्राडे का मिडिल पॉइंट है, दिस मिडिल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट, मिडिल पॉइंट पे प्राइस ऊपर खुला,
यहाँ पे खुला आज का पहला 10 मिनट कैंडल, उसके बाद प्राइस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जैसे ही इस मिडिल पॉइंट को टच करेगा, जैसे ही टच कर देगा, समझ लो आपका बाई कंडीशन चालू हो गया, आपको बाई करके उस स्टॉक में बैठ जाना है, ठीक है। विद स्टॉप लॉस, विद स्टॉप लॉस 1.2% का स्टॉप लॉस लगाना है, और यू कैन मेंटेन स्टॉप लॉस, जो दूसरा इसका स्टॉप लॉस है S1 का आप लगा सकते हो, यानी कि सपोर्ट 1, पहला सपोर्ट जो होता है उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो बाई करने के बाद, क्लियर। फॉर प्रॉफिट बुकिंग, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग, वंस ट्रेड कम्स इन 1% प्रॉफिट, अगर 1% के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है जहां से आपने एंट्री ली थी, आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट डे लो, क्लियर। तुरंत जो R1 S1 पे आपने लगाया था वो अब डे लो के SL पे लग जाएगा, एंड होल्ड इट फॉर 2-3% का प्रॉफिट। रेड अलर्ट नोट, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2-3% मूवमेंट, गाइस मजेदार है ना, सिंपल है, तो डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2-3%, इसमें 2-3% का प्रॉफिट मिले अपना प्रॉफिट बुक करो, एंजॉय करो सर, सिंपल सा बात। जैसे ही 1% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, 1% का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, बुक नहीं करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि थिंक लाइक अ बिग शार्क, ऑलवेज बड़े ट्रेड के लिए सोचो, छोटे ट्रेड मार्केट को दे दो, छोटा स्टॉप लॉस मार्केट को रेडी हो जाओ देने के लिए, जब बड़ा आएगा उसको पकड़ के रखो, बड़े से बड़ा खाएंगे प्रॉफिट, राइट। तो डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2-3% मूवमेंट, कीप बुकिंग एज पर योर पॉकेट साइज, तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपने लिया कीप प्रॉफिट बुकिंग करते चाहिए। इसको आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो, और मोस्ट पावरफुल इक्विटी कौन से, कैश सेगमेंट्स के कौन से, फ्यूचर वाले, जो भी फ्यूचर्स के अंदर आते हैं उन्हीं स्टॉक्स के अंदर आपको ये अप्लाई करना है, कैश में ट्रेड कर सकते हो। क्लियर माइंड पॉइंट गाइस, कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब रूल फॉर सीपीआर ट्रेडिंग मेथड, अब ये सेल कंडीशन का बता रहा हूं, सिंपल, टुडेज पाइवट पॉइंट, जो ये आज का पाइवट पॉइंट है, टुडेज पाइवट पॉइंट प्रीवियस पाइवट पॉइंट से नीचे होगा, सेम कंडीशन, राइट। सेकेंड पॉइंट, आपका जो प्राइस एक्शन है, प्रीवियस डे का जो प्राइस एक्शन है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस डे जो भी ये चल रहा था प्रीवियस डे में, और ये जो क्लोजिंग होगा ऑलमोस्ट डे के लो पे क्लोजिंग होनी चाहिए, ऑलमोस्ट डे के लो पे क्लोजिंग होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस चीज को, तभी सेटअप हमें इसमें सेल का सोचना है नए रूल्स के साथ, ठीक है। क्लोज हो गया, पाइवट पॉइंट भी नीचे है, दोनों कंडीशन फुलफिल, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेड, हाउ टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर सेटअप। अब फर्स्ट 10 मिनट कैंडल शुड बी क्लोज्ड बिलो मिडिल पॉइंट, सर जैसा मैंने बताया ये पाइवट पॉइंट है, इसके ऊपर एक अपर लाइन एक लोअर लाइन होती है, तो जो ये पाइवट पॉइंट है, ये पाइवट पॉइंट से मतलब मिडिल पाइवट पॉइंट से लेटर सेंटर पाइवट रेंज का मतलब ये बीच वाले से है, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, इसके नीचे ओपन हो गया और इसके प्राइस नीचे क्लोज होगा, फर्स्ट 10 मिनट कैंडल शुड बी क्लोज बिलो मिडिल पाइवट लेवल, मिडिल पाइवट रेंज, तब हमारा ये जो थर्ड कंडीशन है वो एड ऑन है, इंपॉर्टेंट है, तब हमें सेल के लिए सोचना है, ठीक है। अब हाउ टू वर्क इंट्राडे फॉर सिलेक्टेड स्टॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल सेटअप के लिए, अगेन वाइड रेंज CPR मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि सर ये है Part-2, इसका Part-3 जो नैरो रेंज के लिए होगा और जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए होगा, नॉन स्टॉप ऊपर या नॉन स्टॉप डाउन जो जाता है उसको कैसे कैच करते हैं वो मैं Part-3 में दूंगा। रूल नंबर 1 सेल सेटअप के लिए, एनी 10 मिनट कैंडल प्राइस टच द मिडिल पॉइंट्स, जैसे कि मैंने दोबारा बता देता हूं, पहला दूसरा तीसरा, राइट, सेल सेटअप ढूंढ रहे हैं, तो सर कैंडल यहां पे खुला नीचे की तरफ, इंट्राडे का आज का प्राइस नीचे खुला, नीचे खुल के क्लोज हो गया, फिर जब रिवर्स होगा ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, और जैसे ही मिडिल पॉइंट पे टच हो जाएगा तभी आपको इसमें सेल कर देना है, अपना सेल में बैठ जाना है, बात खत्म, तुरंत आपको यहां पे सेल करना है, और जब आप यहां पे सेल करोगे आप
इमीडिएट सेल कर सकते हो। ये मैंने बैक टेस्टेड किया हुआ है, सारा मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है गाइस। इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, जो सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, वो इसमें अप्लाई करके आप इसको ठोक सकते हो बिल्कुल सेफ ट्रेड के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल करना है। सॉरी गाइस, इस पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं आपके लिए यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। सेल करना है दैट लेवल विद 1.2% का स्टॉप लॉस और R1 का स्टॉप लॉस लगा दोगे, और R1 का स्टॉप लॉस यानी कि रेजिस्टेंस वन का स्टॉप लॉस लगा दोगे, दोनों स्टॉप लॉस कीप इन माइंड। और प्रॉफिट बुकिंग में वंस ट्रेड कम्स इन 1% प्रॉफिट, 1% जैसे ही प्रॉफिट आए नीचे की तरफ गिर जाए सर, तुरंत अपना मॉडिफाई कर देना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना। पहला कंडीशन डे हाई पे, डे हाई पे तुरंत अपना मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एट डे हाई एंड होल्ड इट फॉर 1-3% प्रॉफिट, ठीक है। 2-3% के लिए प्रॉफिट ले बैठ जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2-3% गाइस, कीप इन माइंड, क्योंकि ये वाइड रेंज के ऊपर बना है। वाइड रेंज में 2-3% मोर देन एनफ। मार्केट में कोई आपको वाइड रेंज के ऊपर ट्रेड करना नहीं सिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको किंग रिसर्च दे रहा है, इसको गांठ बांध देना, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, राइट। सो कीप बुकिंग प्रॉफिट एज पर योर पॉकेट साइज। अब आ जाइए कुछ पावरफुल एग्जांपल्स के साथ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, पंद्रह नहीं, बीस नहीं, पच्चीस नहीं, तीस तीस मैं आपके लिए एग्जांपल आया, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे जो चलता है आप सिर्फ वो लेके आते हो। सर खुद बैक टेस्ट करो यार, मेरी स्ट्रैटेजी होने तो कितनी ख़राब है, खुद बैक टेस्ट करो ना। भगवान ने दिया है लॉजिक, लॉजिक मैंने आपको दे दिया सर, बना के दे दिया, आप टेस्ट तो करोगे ना, खुद बैक टेस्ट करो, टेस्ट करो, चेक करो कैसे चल रही है, राइट, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही कमेंट मत लिखिएगा, टेस्ट करो फिर आके जरूर से लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे आपका मेरा वीडियो बन सके। अच्छा, अब सन टीवी, पहला एग्जांपल सन टीवी आपके सामने लाइव है, टुडे का है, आज का है, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, 6 फरवरी 2020, 10 मिनट का टाइम फ्रेम सन टीवी में है। देखो प्रीवियस डे पाइवट यहाँ पे था, आज का ऊपर है, क्लोजिंग भी ये जो हाई है ये भी ऑलमोस्ट ऊपर है, ऊपर होने के बाद गैप अप खुला, पहला 10 मिनट का कैंडल इसके पाइवट पॉइंट पे टच नहीं होना चाहिए, ऊपर खुलेगा, ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद इसमें एक रूल है वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद धीरे धीरे नीचे आया, नीचे होके देखो इस ग्रीन कैंडल ने टच कर दिया येलो पाइवट लाइन को, सीपीआर का जो मिडिल रेंज है उसको इस पॉइंट ने, ग्रीन कैंडल ने टच किया, बस आपकी यहीं पे एंट्री बन जाएगी। आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 1.20 का परसेंट जो नीचे का, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो सीएमपी पे कैलकुलेट होगा, वहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। और एल्स ये जो मैंने एक लेवल दिया है ये S1 है, इस S1 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, दोनों में से जो आपको सही लगे वो लगा लीजिए। यहां से जैसे ही 1% आपका मूव हो, यानी कि 479 का प्राइस है, 479 प्लस 1% का मूव हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट 4-5 रुपीज की अगर मूवमेंट आ जाए, तुरंत अपना मॉडिफाइड स्टॉप लॉस एट कॉस्ट टू कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट टू कॉस्ट कह रहा हूं, अपना डे लो का लगा देना, जो भी ले होगा थोड़ा सा ही अंतर होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही रहेगा, और वहां से आप रिजल्ट बिंदास 2-3% का प्रॉफिट मिले, एग्जिट, कीप बुकिंग प्रॉफिट। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल आज ही का मारुति, आज ही का मारुति देख लीजिए, डे लो पे प्रीवियस डे था और पाइवट पॉइंट जो येलो कलर का लाइन है, डे लो पे ये क्लोज, पाइवट पॉइंट भी नीचे था सर, इसके नीचे खुला, टच हुआ, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, करते ही धड़ 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 नीचे 100 सुनार की एक किंग रिसर्च की। ये देखो ये भी हाई पे था, पाइवट पॉइंट ऊपर था, फर्स्ट 10 मिनट का कैंडल ऊपर था, नीचे आया, पाइवट पे टच किया, चल भैया ऊपर, फुल तेजी, फुल पावर वाला मोड। ये देखिए बजाज फाइनेंस कल का चार्ट है, 6-2 आज मतलब कल का है, 5-2 का है, और आप ये देखिए यहाँ पे हाई पे क्लोज हुआ था, ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, किसके, ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए, ऊपर क्लोज हुआ, धीरे धीरे नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे टच किया हमने बाई कर लिया, स्टॉप लॉस 1.20 का, रिजल्ट आपके सामने है इंट्राडे इटसेल्फ,
दूसरा सेटअप देख लीजिए गेल का, अगेन सर 1, 2, 3 चौथे दिन यानी कि 3 फरवरी का है, शार्प फॉल आया था, पाइवट पॉइंट डाउन था, पहला 10 मिनट से कैंडल येलो लाइन के नीचे था, उसके बाद देखो टेस्ट किया, जैसे येलो पे टेस्ट किया आपने यहाँ पे सेल कर दिया, रिजल्ट इंट्राडे आपके सामने। सर ये खासियत है, छोटा सा एसएल, देखो खुद, देखो खुद बैक टेस्ट करो, छोटा सा एसएल, एक एसएल जाए नो प्रॉब्लम, 2, 3, 4 कितने एसएल जाएंगे जाने दो ना, एक ट्रेड भी आपके हिसाब से बैठ गया पैसा आपका बन जाएगा। सेम कंडीशन देखिए ग्लेनमार्क का, ग्रासिम का, अगर वीडियो नहीं समझ में आया, सेटअप नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके इसको देखिए, दोबारा पीछे जाके इसको दोबारा 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार देखिए और शांति से देखिएगा, तसल्ली से, मजा आ जाएगा। हम उनमें से नहीं है जो आधी स्ट्रैटेजी देते हैं बोलते हैं क्लास ज्वाइन करो, हम पूरा स्ट्रैटेजी देते हैं दोस्त, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद सीखो पैसा बनाओ। और एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी है किंग रिसर्च के आई से, फर्स्ट आई, सेकंड आई और थर्ड व्यू आई, जो तीसरी आंख होती है उससे देखनी है, तो क्लास ज्वाइन करने की सोचना। HDFC देखिए, लाइव ट्रेड आज का, रियल लाइव ट्रेड आज का HDFC का रिजल्ट आपके सामने है। हीरो मोटो सर 3 फरवरी में हीरो मोटो आया, क्लियर कट स्ट्रैटेजी आपके सामने, खुद देख सकते हैं, पावर ऑफ लेवल, पावर ऑफ स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। उसके बाद देखिए हिंडाल को, 10 मिनट का चार्ट, ये 21 जनवरी को आया था, वो आपके सामने, एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका था, आपको याद होगा मैं कई बार बोल चुका हूँ CPR की स्ट्रैटेजी रेडी है, बस आप 25,000 सब्सक्राइबर दीजिए, बट आप लोगों ने 25,000 सब्सक्राइबर्स नहीं दिए, 22,000 सब्सक्राइबर्स दिए, इसके बावजूद भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि 1 वीक के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, थोड़ा सा मॉम डैड की हेल्प के लिए, पूजा हो रही है घर पर सर, तो एक रामायण कांड और प्लस बहुत सारे कांड होते हैं, तो वो सारे कांड के श्लोक्स पढ़े जाते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है, बहुत सारे मंत्र होते हैं वो पढ़े जाते हैं, तो सर वो 1 महीने का प्रोसेस होता है, तो उनकी हेल्प के लिए, तो वहाँ पे हमारे गांव में करीब करीब 200-300 लोगों का भोजन है 9 तारीख को, हो सकता है मैं लाइव आऊँ आप लोगों के सामने दिखा सकूँ, तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैं 1 हफ्ते छोटा है, इसलिए मैं आपके लिए पहले बना के जा रहा हूँ, बाकी आप देते रहिएगा सर, ठीक है। ये देखिए हिंडाल को क्लियर कट 21 जनवरी का, ये देखिए REC लिमिटेड वही सेटअप पे आया, ये देखिए PNB वही सेटअप पे, 21 तारीख का ही है, क्योंकि 21 तारीख का मैंने वीडियो तैयार कर ली थी अपनी, पूरा सेटअप बना के PPT बना के रख लिया था, वेदांता 21 तारीख का, 21 तारीख को ही देखिए टाटा मोटर DVR आया, 21 तारीख को ही देखिए टाटा मोटर्स भी आया, रिलायंस इंडस्ट्री आया आपका, आप खुद देखिए यहाँ पे PEL भी आया, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी आया, NCC भी आया, हिंडालको आया, ग्लेनमार्क आया, डिविज लैब आया, बजाज फिनेंस फिनसेवर आया, बैंक इंडिया आया, बजाज फिनेंस हो गया राइट, सब चीज़ एक नहीं दो नहीं, तसल्ली से वीडियो को देखिएगा, खुद जाके बैक टेस्ट करिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो क्योंकि सर मैं आपको चीज़ दे सकता हूँ बना के अपने एक्सपीरियंस से, 12 साल के एक्सपीरियंस से, MS अभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई कहीं कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मानते हो नहीं मानते हो, तो इस चीज़ को याद रखना। इम्पॉर्टेंट रूल्स अब आ जाइए, रूल नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड इग्नोर फर्स्ट 2 कैंडल्स, स्टार्टिंग के 2 कैंडल्स आपको कुछ नहीं करना है, अगर स्टार्टिंग के 2 कैंडल्स में आपको टच हो गया इग्नोर कर देना है, 2 कैंडल के बाद टच होगा तभी काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। रूल नंबर 2 ट्रेड टिल 12:45 PM, यस यहां पे इस स्टॉक्स में याद रखिएगा सर, पूरा स्टॉक मार्केट टाइमिंग का गेम है, जैसे मैच खेलते हो देखते हो, 6 जाता है कैसे जाता है, सिर्फ टाइमिंग से जाता है, पावर से नहीं जाता, पावर से 1 लगा लेगा चलो गेल की बात अलग है सर, हम सब गेल नहीं है राइट, हम एक आम आदमी है, पावर भूल जाओ, प्रैक्टिस है नहीं तो कैसे लगेगा पावर, तो सर टाइमिंग के ऊपर फोकस करो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग, और टाइमिंग वही सिखा सकता है जो खुद ट्रेड करता हो, दिस इज इंपॉर्टेंट कीप इन माइंड। तो ट्रेड इसकी खासियत है 12:45 के बाद आप ट्रेड नहीं लोगे, 12:45 से पहले जो भी ट्रेड आएंगे वो लेंगे, पहला रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल इंपॉर्टेंट, दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क इन स्टॉक फ्यूचर्स, पहले आप स्टॉक फ्यूचर्स के जो कैश सेगमेंट है उसमें ट्रेड करो, मनी मैनेजमेंट SRM स्ट्रैटेजी के साथ वीडियो में दिया हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे आप स्टॉक फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, इसके अलावा कहीं और ट्रेड मत करना गाइस,
कीप इन माइंड, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं था. नो वरी, वी विल शेयर द स्टॉक लिस्ट. अगर आपके पास स्टॉक लिस्ट नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट. मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर 8468811500 है. CPR2 करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, लिस्ट मैं आपको दे दूंगा. जिन जिन प्यारे प्यारे जो मैंने बैक टेस्ट किए हुए, किन किन लिस्ट में काम करता है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा. नो नीड टू वरी अबाउट इट. और इसका जो पार्ट 3 है, इससे भी ज़्यादा और पावरफुल ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं आपको लेके आने वाला हूँ, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच. आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. और गाइस, जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का सेटअप जो हमने CPR पार्ट 1 में पढ़ा है. बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी फ्यूचर 10 मिनट का. आज का इंट्राडे चार्ट है 6 फरवरी, ये देखिए टाइम सर. पिवट पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टॉप पे क्लोज, आया रेंज पे, हमारे रेंज के CPR के रेंज में आया. कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सबको पता है क्या सीक्रेट है हमारा, वो नहीं जो किताब में है, यूट्यूब में, वो जो मैं सिखाता हूँ, दिस इज लॉजिक, जो रियल ट्रेड बताएगा, वो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो दुनिया पढ़ाती है. दूर रहो, दूर रहो. एग्जैक्ट लेवल आया और रिजल्ट देखो सर, छोटा सा SL यार, छोटा सा SL के साथ. नहीं देखा वीडियो, देख लेना CPR पार्ट 1. अब निफ्टी का दिखाऊं, मजा आ जाएगा, मजा. ये देखिए, ये निफ्टी है और ये निफ्टी फ्यूचर्स है. देखो, हाई पे क्लोज था, पिवट ऊपर था, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स ने इस रेंज में नहीं आया. CPR का जो रेंज है, अपर मिडिल और लोअर, इस रेंज में नहीं आया तो बच गया. बट बैंक निफ्टी में आपके सामने है दोस्त. सर, किसी एक को पकड़ लो मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, मैं सब दे दूंगा, नो प्रॉब्लम. बट इंपॉर्टेंट इज, क्या आपने पैसा बनाया? सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लो जो भी मैंने दी है. टोटल 6 स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये 7वीं स्ट्रेटेजी है. सातों में किसी एक को पकड़ लेना, दोस्त बना लेना, चार्ट को पढ़ डालो, रट डालो, बैक टेस्ट कर डालो, एक एक क्वांटिटी SRM के स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर डालो, सर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा. और घबराना नहीं है ट्रेड में, क्योंकि आपको पता है मेरा रिस्क कितना है. 100 रुपये का है तो 100 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी, 200 का है तो 200 के हिसाब से क्वांटिटी, ऑलरेडी वीडियो में बना के दे चुका हूँ. अब 30,000 सब्सक्राइबर्स पे पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन दूंगा जो मार्केट में कोई नहीं देता है. 35,000 में एक और पावरफुल स्ट्रेटेजी दूंगा, प्योर प्राइस एक्शन. तो जो लोग अभी तक सीट बुक नहीं कराए हैं, कुछ एडवांस की चीज़ें सीखने के लिए, गैप अप स्ट्रेटेजी मेरे पास है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, BTS स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे टाइम बॉम्ब स्ट्रेटेजी है, बैंक निफ्टी टाइम बॉम्ब स्ट्रेटेजी है, क्रूड ऑयल टाइम बॉम्ब स्ट्रेटेजी है, और आपका सो मैनी स्ट्रेटेजीज, 5 से 6-7 स्ट्रेटेजी, IPO स्ट्रेटेजी है. आप लोग पूरे दिन SBI IPO कर रहे हो, आजकल गेम खेल रहे हो SBI IPO, राइट? सर, मैं कभी IPO पे पैसा नहीं लगाता. जिस दिन IPO खुलता है, उसी दिन 5 मिनट के अंदर M2M बनाता हूँ, जय माता दी. वो स्ट्रेटेजी मैं अपने वर्कशॉप में देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप में देता हूँ, नो ऑनलाइन क्लास, राइट? तो अहमदाबाद में 22 और 23 फरवरी को मेरा अहमदाबाद में वर्कशॉप है, सुबह 9:30 बजे से शाम को 5-5:30 बजे तक की रहेगी. 2 दिन का वर्कशॉप है, सैटरडे संडे को. तो जो लोगों ने अभी तक सीट बुक नहीं कराई है, ऑलमोस्ट 70% सीट्स फुल हो चुकी हैं, 30% रिमेनिंग रह गई है. व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कर दीजिए, सीट बुक कर लीजिए, डोंट मिस. क्योंकि सर, मेरा वर्क महीने में एक ही वर्कशॉप लेता हूँ और एक ही ऑनलाइन क्लास लेता हूँ. टाइम की वजह से, एल्गो ट्रेडिंग की वजह से, मैं प्रॉपर ट्रेडर हूँ, सब चीज़ें करता हूँ. तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है? अभी आ रहा हूँ, मिस मत करिए, क्योंकि फिर आपके शहर में आने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाता, मैं कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाए स्ट्रैटेजी के साथ, विद द हेल्प ऑफ छोटा सा मसाला टेक्निकल का, वो दे के मैं सिखाता हूँ, राइट? तो प्लीज 12 फरवरी ऑनलाइन क्लास है, 22-23 फरवरी अहमदाबाद में वर्कशॉप. और दिल्ली वालों, आप लोग भी खुश हो जाओ, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं. दिल्ली में 14 और 15 मार्च को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आ जाओ, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करो. कुछ एडवांस सीखना है, आप ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हो. और जो लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन है, गाइस हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉक सिलेक्शन वहाँ पे मैं देता हूँ, टिप्स मैं वहाँ पे देता हूँ. मारुति बोला था PL, कल मैंने लाइव कॉल में PL बोला था, क्लियर कट,
100-150 पॉइंट के टारगेट के साथ बोला था, लाइव ट्रेड पता है, एपिसोड नंबर 6 में जाके यूट्यूब में चेक कर लेना किस किस स्टॉक में बाई बोला था, सेल बोला था, रिजल्ट आपके सामने है। 100 रुपए भागा है पीएल M2M, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। फीडबैक टेलीग्राम में देख लेना मेरे करंट बैच स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहा है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो 14-15 मार्च को दिल्ली में, और गाइस अप्रैल में या तो पुणे या मुंबई या बैंगलोर, ये तीन जगह से मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, अलर्ट हो जाओ। अप्रैल में या तो मुंबई या तो पुणे या बैंगलोर, ये तीन जगह में एक जगह में आने वाला हूँ। प्लीज व्हाट्सअप कर देना, रजिस्ट्रेशन 12 तारीख के बाद खुल जाएंगे, तुरंत सब्सक्राइब करना, सीट बुक कर लेना, क्योंकि हाउसफुल होने वाला है। बहुत सारी क्वेरीज आई थी, तो जिसका सबसे ज़्यादा आ गया मेरे पास वहाँ मैं आपके लिए पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अप्रैल में या तो पुणे, मुंबई या बैंगलोर, ये तीन सिटी मेरे टारगेट में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिल रहा है मेरे। ठीक है, चलिए, अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगे नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, थम्स अप जरूर दे देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो।